हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। फिर से लेके आ चुका हूँ नया रिक्रूटमेंट, एम्स रिक्रूटमेंट 2024 में ऑफिशियली रिक्रूटमेंट की अपडेट पब्लिश हुआ है। आज उसी के ऊपर बात करने वाला हूँ। एम्स रिक्रूटमेंट जिसमें प्रोजेक्ट मैनेजर के ऊपर पोस्ट निकल के आया है, जिसमें बीएससी बीए पास कैंडिडेट एप्लीकेशन कर सकते। सैलरी आपको 24,000 तक दिया जाएगा, जिसका लास्ट डेट 30 जनवरी 2024। आज जो रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन जारी हुआ है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स की तरफ से, जिसमें रिक्रूटमेंट की बहुत बड़ी नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसमें प्रोजेक्ट मैनेजर की पोस्ट है। एंड इन प्रोजेक्ट मैनेजर की जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन पब्लिश हुआ है, अगर इसमें कोई भी कैंडिडेट एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो किस तरह से एप्लीकेशन करना है, क्या है प्रोसेस, सब कुछ आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताएंगे। पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा अगर आप लोग एप्लीकेशन करना चाहते हो। बेसिकली यहाँ पे एप्लीकेशन करने के लिए एक एक जानकारी आप लोगों को देने वाला हो। ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑलरेडी मैंने डाउनलोड कर चुका हूँ, तो चलिए उसके ऊपर बात कर लेते हैं किस तरह से आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हो। दोस्तों, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की तरफ से 22 दिसंबर 2023 में पब्लिश हुआ था। जो पोस्ट था वो है प्रोजेक्ट मैनेजर। प्रोजेक्ट मैनेजर के ऊपर फिर से ऑफिशियली रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसमें अगर कोई कैंडिडेट एप्लीकेशन करना चाहते बीएससी इन कंप्यूटर साइंस और एनी ग्रेजुएट विथ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कोर्स सर्टिफिकेट है, तो वही कैंडिडेट यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते। प्रोजेक्ट मैनेजर की इस पोस्ट के लिए अगर आप लोग एलिजिबल है एप्लीकेशन करना चाहते, तो बेसिकली आपको इंग्लिश एंड लोकल लैंग्वेज में आपको कम्युनिकेट करना आना चाहिए। एंड इसके साथ कंप्यूटर लिटरेसी 1 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए। एंड इसी के साथ सैलरी आपको दिया जाएगा जो कि है 18,000 तक पर मंथ। एंड एज क्राइटेरिया की अगर बात किया जाए 25,000 से 30 ईयर्स तक के कैंडिडेट एप्लीकेशन कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर आप लोग एप्लीकेशन करना चाहते हो एक बहुत बड़ी मौका है, तो 25 से 30 इयर्स तक आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो। एंड यहाँ पे आपको एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा। अगर कोई भी कैंडिडेट एप्लीकेशन करना चाहते तो यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा। यहाँ पे एज रिलैक्सेशन की अगर बात किया जाए तो SC/ST कैंडिडेट 5 ईयर्स, OBC कैंडिडेट 3 ईयर्स तक के एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। एप्लीकेशन करने के लिए कैंडिडेट को इंटरव्यू के ऊपर बेस करके सिलेक्शन किया जाएगा, तो इसका मतलब है कोई भी एग्ज़ाम या कुछ भी नहीं होगा। विदाउट एनी एग्ज़ाम या कुछ भी आप लोगों को जो है यहाँ पे सिलेक्शन किया जाएगा अगर आप इंटरव्यू में क्वालिफाई कर जाते हो। तो बेसिकली यहाँ पे मेल एंड फीमेल बोथ कैंडिडेट आर इक्वली एलिजिबल एंड दोनों ही यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हैं। यहाँ पे एप्लीकेशन करने के लिए और क्या क्या चाहिए चलिए देख लेते हैं। बेसिकली इंटरव्यू होने वाला है आपका प्रोजेक्ट मेडिकल कॉलेज एम्स मंगलगिरी 8:30 AM 18 जनवरी 2024 से जो है वॉकिंग इंटरव्यू होने वाला है। एंड वॉकिंग इंटरव्यू में अगर आप क्वालिफाई करते हो तो आपको जो है जॉब मिल सकता है। अगर आप लोग जा रहे हो तो आपको आपका सर्टिफिकेट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, एज प्रूफ सर्टिफिकेट, वोटर कार्ड, आधार कार्ड सब कुछ लेके आपको CV लेके जो कि यहाँ पे दिया गया है सब कुछ लेके आपको यहाँ पे एप्लीकेशन करना होगा। तो जितने भी कैंडिडेट एप्लीकेशन करना चाहते हैं इसको आपको लेके एप्लीकेशन करना होगा। तो अगर आप लोग एप्लीकेशन करना चाहते हो जल्द से जल्द एप्लीकेशन कर दीजिए। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। फिर से एक नया रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन लेके बहुत जल्द आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा।